हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो ध्यान दीजिएगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 384 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सरफेस एरिया दे दिया है क्यूब का, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर गिवन दैट तो हम जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि एक फेस का एरिया दिया हुआ था, यहाँ पर सारे फेसेस का एरिया का सम दे दिया है, उसको बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 6 टाइम्स कर देंगे क्योंकि 6 फेस होते हैं, 6 टाइम्स एज स्क्वायर, जितना भी एज होता है क्यूब का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो हमारा आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम्स एज होल स्क्वायर इज इक्वल टू 384 मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे एज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, सो वी विल गेट 384 होल अपॉन 6। 6 × 6 कैंसिल कर लेंगे, 6 × 36 एंड 6 × 4 = 24, so we get 64. It implies is square is equal to हो जाएगा 64. Now अब कर देंगे taking square root on both sides. Okay, taking square roots on both sides, what we will get is equal to square root of 64. यहाँ लिख लेंगे taking स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एज की वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 64 को यदि हम फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा 8 × 8, मिल जाएगा बिल्कुल 2 × 2 × 2 मैंने 2 को 3 टाइम्स और मतलब कि 6 टाइम्स 2 को करेंगे तो आ जाएगा, जिसमें से हम 2 को बाहर निकालेंगे तो 3 टाइम्स निकलेगा, दैट्स वाई 8 होगा आंसर हमारा। मीन्स जैसे कि इसको फैक्टराइज करेंगे तो मिल जाएगा अंडर रूट 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। सो यहाँ से देखिए 2 2 2 मीन्स इन तीनों को निकालेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिल जाएगा। एज हमारा निकल चुका है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं बिल्कुल। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू एज, जो भी एज रहता है उसका क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं। एज हमारा है 8, सो वी विल क्यूब इट। तो मिल जाएगा हमें 8 × 8 × 8 एंड दैट इज 512। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। ओके, ऐसे मत लिखिएगा, मतलब लिखना होगा 512 मीटर क्यूब। ठीक है, जो यूनिट रहता है हमें लिखना पड़ता ही है, तभी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।